ठीक लग रहे हैं ना तो सिर्फ चिंता ना करो अमीर जी, ऐसे सब ठीक हो जाना है। लेकिन और कुछ भी कुछ ठीक नहीं होगा, तेरे आते ही मेरी लाइफ ही ओवर हो गई थी, लेकिन अब तो मेरी मॉम और मेरे डैडा की भी लाइफ ओवर हो रही है। तेरी वजह से मेरे मॉम और मेरे डैडा डिवोर्स लेने वाले। चलो यही तो बात करनी थी अमीर जी, सिकंदर जी बुरे आदमी नहीं है, वो आपको और प्यारी जी नु कंधी भी नहीं चढ़ सकते। छोड़ चुके क्योंकि उन्होंने मुझे और मेरी मॉम को नहीं तुझे चूज किया, वो तेरे साथ रहने चाहते। पर छोड़ के जाने का फैसला तो प्यारी जी का था। मॉम घर छोड़ के इसीलिए आई क्योंकि तू वहां आ गए थे, मुझे वापस आना ही क्यों था इतने बड़े वर्ड में तुझे तोड़ने के लिए, मेरी फैमिली भी परेशान करने के लिए, मेरी मम्मी प्यार करने के लिए मेरे डैडा मिले, मैं तो तुझसे दोस्ती तक नहीं करना चाहती तो तू क्यों मेरे पीछे पड़ी है, मेरे हेड में मेरी बहन बनने का भूत क्यों चढ़ा। आपके डैडा है तो वो मेरे भी बाबा है। भाई पता तूने चेक कर लिया, दोबारा चेक कर लेगा आप पता नहीं आ जाएगी, बच्चे घूम गए। खोलना एक मिनट ये क्लास क्यों खुलेगी, हमारा की क्लासरूम पहले खुलेगी, चलिए मेरे साथ। मैडम जी आप ना कहीं क्या गुस्सा कहीं और ना निकलो, हम अपनी ड्यूटी सही से करते हैं, अगर आप लोग अपने बच्चे को संभाल नहीं सकते तो इसमें हमारी क्या गलती। What do you mean? मैं अपने बच्चे को नहीं संभाल सकती, मैं अपनी हमारा को नहीं संभाल सकती। What do you mean? वो कौन तुम? क्या कर रही? बेस्ट फ्रेंड से बच्चे नहीं मिलेंगे यार। नहीं, what does he mean यार? चुप हो जाओ दो मिनट के लिए। तो भाई तू चल मेरे साथ, तू अलग भी जाके ग्राउंड में देखो, म्यूजिक रूम में देखो, एक्टिविटी रूम में देखो, अब तू मेरे साथ आ जा भाई, खोल ले जल्दी कर। इडियट अम्मी तो अमीर जी यही सच है, मेरे पापा ने मेरे खुद बताया सिकंदर जी मेरे असली पापा, आपको तभी छोड़ के चले गए थे जब माँ के पेटों में थे, आप पूछ रहे थे ना तो वापस क्यों आए, इसी वास्ते पता करने आई थी कि उन्होंने मेरी माँ को क्यों चटा, कि कोई मजबूरी थी या नहीं। और मैं तो कल रात ही पता चला कि माँ को छोड़ना उसको कितना बुरा लगता, मेरे पापा तो कहीं तक आने जाते थे मेरे जी, वो तो उससे माफी मांगने जाते थे। तूने डैडा को बता दिया कि तू कि डॉटे ने आज मुझे आज बताने वाली थी पर बता नहीं पाए, तो मैं प्लीज कुछ भी डैडा को कुछ मत बता। अगर तूने डैडा को बता दिया तो मेरी माँ मर जाएगी, मुझे तो पहले से पता था कि तू डैडा की बेटी। डायरी बदल दी और तुझे बल्ले बल्ले देवर के पास भेज दिया, मॉम को लगा था
तू उनकी ज्यादा हैप्पी रहेगी और पापा डैडी के साथ। लेकिन डैडी तुझसे इतना लव करते, दोनों ने पता लगा लिया, वो हमने झूठ बोला था और तब से अभी तक वो लड़ाई करे जा रहे करे जा रहे। अभी तो मेरे डैडी को पता भी नहीं है तू उनकी बेटी है, लेकिन वे भी वो हमको डिवोर्स देने की बात कर रहे। अगर उन्हें पता चल गया तो वो पक्का मेरी मॉम को छोड़ देंगे और मेरी मॉम बन जाएगी। जैसे तेरी मॉम मेरे डैडी के बिना रह नहीं पाए और बस ऐसे ही मेरी मॉम भी बन जाएगी। प्लीज कुलदीप, प्लीज मेरी मॉम को बचा ले, मैं उनके बिना नहीं रह सकती। प्लीज प्लीज तू डैडी को कभी मत बता दा कि तो उनकी और निम्रत आंटी की बेटी है। प्लीज कुलदीप प्लीज। कुलसी मिली, मैं कुलसी मिली है सिकंदर। सिकंदर मेरी बात सुनो, मुझे बहुत टेंशन हो रही है सिकंदर, प्लीज उनको कुछ हो गया तो तुम कुलफी को ढूंढो, कुलफी मिल जाएगी तो हमारा भी मिल जाएगी सिकंदर, प्लीज। दोनों साथ में हैं, दोनों बहुत प्रॉब्लम में हैं, मैं बता रही हूँ ना, मैं उसकी माँ हूँ, अभी प्रॉब्लम में है और हमारा को भी ढूंढो। तुम कुलफी को कहीं से भी ढूंढ के निकाल सकते हो ना, तो तुम्हें ढूंढो ना उसको सिकंदर। तुम उसने जोर से आवाज लगाओ, वो तुम्हारी आवाज जरूर सुनेगी। शांत हो जाओ, मिल जाएगी लवली, मेरे बच्चे को ढूंढो। शांत शांत मेरे नाम के साथ कभी भी नहीं जुड़ेगा क्या? मैं तो जीती तब से बाबा 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 कर रही हूँ, कोई सुनने वाला नहीं था, वो मेरे इंतजार है, लेकिन मैं बाबा नहीं कह सकती, मैं बाबा के लायक ही नहीं हो गया, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? नो वे कुलफी, तू नो मत, तू बैठ कर लही है, बैठ तू गॉड जी है। तूने सब बच्चों को अलग मॉम डांट दी, तो फिर तेरे और मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अगर डैडी तेरी मॉम से प्यार करते थे, तुझसे प्यार करते थे, तो उन्होंने मेरी मॉम से क्यों मिलवाया, क्यों उनसे शादी करवाई? अगर उन्होंने हम दोनों को अलग अलग मॉम दी थी, अलग अलग डाडा भी तो देने चाहिए। अगर मेरे पास अपने डाडा होते तो मुझे किसी से भी इनको शेयर करना ही नहीं पड़ता। मेरी मॉम को तुझे दूर करने के लिए इतनी सारी बैड चीजें करनी नहीं होती, कोई नहीं रोता, कोई हर्ट नहीं होता। लेकिन गौरजी ने गलती से हम दोनों को टू के बजाय वन डाडे दे दिए, सब उनकी गलती है, लोग उन्होंने किया। आप तो ये कह रहे हो बहन जी, इसमें ना मेरी गलती है, ना आपकी, ना बाबा की, ना प्यारी जी की, गलती तो सब जी ने की है। तुझे सुन रहे हो रम जी, सारी गलती आपकी है, आपकी 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 आपकी, आपकी। आपकी वजह से मैं अपने बाबा को कभी भी बाबा नहीं कह पाऊंगी, आपकी वजह से वो कभी मैंने अपनी बेटी नहीं कहेंगे, आपकी वजह से मेरा नाम कुलफी सिकंदर सिंह गिल कभी नहीं होगा, वो मेरे लिए मेरे सब कुछ ही रहेंगे, मेरे बाबा कभी नहीं बच पाएंगे। मेरे लिए इतना बड़ा काम करेगी। आप मेरी छोटी बहन हो बीजी,
मैं आपके वास्ते कुछ भी कर सकती हूँ। बाबा तुम मेरे पास कभी थे ही नहीं, फिर बाप ही चले गए। बाबा के बिना कितना 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 जूरत चाटना पड़ता है मैनू पता है। तो रोज ही माता रानी से कहती हूँ किसी और बच्चे के साथ ऐसा कभी भी नहीं करे, तो फिर मैं आपको ऐसे मुसीबत में कैसे डाल सकती हूँ। थैंक यू कुलवी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब तो बालू सब ठीक हो जाना है। दोनों ने हमें ढूंढ लिया। दोनों साथ में हमें ढूंढ रहे थे। मुझे लगता है उनकी भी दोस्ती हो गई। अब सोचो जब अम्मू ने बताया कि हमारी भी दोस्ती हो गई है, वो कितने खुश होंगे। जैसे एक के साथ एक मुफ्त मुफ्त मुफ्त। अदी, मुझे बड़े होके भी तो इतनी बुद्धू कैसे है? ये कोई बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर नहीं है कुल्फी। मामा डैडा डिवोर्स वाली लड़ाई कर रहे हैं, इनकी इतनी जल्दी दोस्ती नहीं होगी। ये वो डिवोर्स तो कट्टे से भी बुरा है। बहुत बुरा है, वेरी वेरी बैड, वेरी वेरी बैड। और अगर इन्हें पता चल गया कि हम दोनों फ्रेंड्स बन गए हैं तो डर दोस्त नहीं बहने फ्रेंड्स शुरू करते हैं। ओके ओके। अगर उन्हें पता चल गया हम एक दूसरे के साथ खून है तो वो हमें भी मिलने नहीं देंगे। ना वट्टा से अप्पा, अब हम क्या करें? ये बिग पीपल अपनी अपनी चला रहे, अब हम अपना गेम खेलेंगे। कैसा खेल? हम किसी को नहीं बताएंगे कि तू भी दादा की डॉलर है। हम अब ये भी किसी को नहीं बताएंगे कि हम दोनों की फ्रेंडशिप हो गई है। हम दोनों वो खेल खेल में मिलेंगे बिना किसी को बताए। ये हमारा सीक्रेट होगा। सीक्रेट आपस की बात? हाँ। और फिर तू मुझे बताना दादा वाले हाउस में क्या चल रहा है, मैं तुझे बताऊंगी मुंबई हाउस में क्या चल रहा है। चंगा जी। और फिर हम दोनों मिलके मामा दादा की फाइट खत्म कर पाएंगे। लड़ाई लड़ाई माफ करो, और भी की लड़ाई सब करो। ठीक। फादर हम दोनों उन दोनों को फिर से मिलवा करेंगे। पर मेरे पास तो अब कोई फोन भी नहीं है, बात कैसे करेंगे? चल कुल्फी, ये सब मैं देख लूंगी। हम यहाँ हैं। जो यहाँ हमारा बेबी आई ओके? आई ओके? पता नहीं किसने बंद कर दिया। हम हमारा लेट्स गो। We'll be right back.
आखिर वो अपने आप को समझता क्या? क्या हुआ डैड? मॉम, why are you crying? मॉम, डैड हुआ क्या? ये तलाक के कागजात नहीं लवली, ये वो आईना है जो सिकंदर ने तुझे दिखाया है। खोल अपनी आंखें, खोल और देख। तुम दोनों उस सिकंदर के साथ रहने के लिए कोई भी समझौता करने के लिए तैयार हो, और वही सिकंदर सिंह गिल की जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। नो नानू, ऐसा नहीं है। डैडी तो मेरे लॉयर से बात करो, एक मीटिंग फिक्स करो। मॉम, कौन सी मीटिंग? मॉम, कौन सी मीटिंग? मॉम बताओ ना। और मॉम अभी घर के रहे हो? मॉम, मॉम कौन सी मीटिंग? तेरी लिखाई कितनी सुधर गई ना। देख, टीचर ने वेरी गुड भी दिया है। पर सच में तूने ना बहुत जल्दी बहुत कुछ सीख लिया है। तभी तो दिया है वेरी गुड। छे? क्या छे? पिछले 20 मिनट में आप ये छठी बार मेरे वेरी गुड की बात कर रहे हो। तो ये लिखा है ना, तभी तो बोल रहा हूँ। मैं क्या, प्लीज, इतनी देर से मर्ती की तरह बातें गोल गोल घुमा रहे हो। सिकंदर जी, सीधा सीधा पूछो ना, क्या पूछना है? क्या आपको मुझसे यही पूछना है ना, मेरी और अमीर जी की लड़ाई क्यों हुई? लड़ाई क्यों हुई होगी ये तो मेरे को पता है, लेकिन लड़ाई खत्म कैसे हुई ये मेरे को जानना है। बताते अक्का जाने, पता चल गया हम एक दूसरे के साथ खून है तो वो हमें भी मिलने नहीं देंगे। आप बड़े हमेशा बोलते हो, जब बड़े बात करते हैं तो बच्चों को बीच में कभी नहीं बोलना चाहिए, है ना? तो फिर वैसे जब बच्चे बात कर रहे हो तो बड़ों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। हाँ जी, तो आप हमारी चिंता मत करो। अब आपको अपनी और प्यारे जी की लड़ाई कैसे खत्म करनी है उसका कोई रास्ता निकालो, और उन दोनों को जल्दी से घर ले आओ। उनके बिना घर तो है पर ऐसा लगता है जैसे खीर बनी पर उसके अंदर कोई चीनी डालना भूल गया। फीकी खीर, कोई खीर होती है क्या? पापा, मैं आपको गंदी पापा ने बुला पाऊंगी?
शायद मैं माँ और पापा के साथ मिला ही नहीं है। लेकिन अगर आपने अपनी लड़ाई माफ कर दी तो कम से कम मेरे जी के पास ये माँ और पापा दोनों। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।